जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दीपावली से संबंधित दीपदान महत्व और कुछ उपाय बताऊंगा। महादीपावली, शुभ दीपावली, अष्ट सिद्ध माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु आप दीपावली पर यह उपाय जरूर करें। कोई भी कामना हो, मन में कोई भी विचार हो, माता के सामने प्रकट करें और कोई भी आपकी कामना है वह आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही अच्छा शुभ योग है और उपाय करेंगे प्रत्येक उपाय का कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। इस दिन आपने दीपदान कर लिया, दीपावली को दीपदान कर लिया तो पूरे साल दीपदान का महत्व प्राप्त हो जाता है। इस दिन आपको कहां कहां पर दीपदान करने हैं वह मैं बता देता हूं और कुछ धन और संतान प्राप्ति के उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दीपावली वाले दिन पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। आप तर्पण भी बता देता हूं, तर्पण क्या होता है। हाथ में थोड़े से काले तिल लेके, अक्षत लेकर के, और आप पीपल वृक्ष के सामने खड़े हो जाएं, हाथ में जल लेकर के उन सबको पीपल वृक्ष के ऊपर छोड़ दें, पितरों का नाम लेते हुए कि सभी पितृ देवता हमारे तर्पण को स्वीकार करें। उसके बाद में एक लोटे में, ध्यान रखना, इस उपाय से पितृ दोष खत्म हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। एक लोटे में, ध्यान रखें लोटा तांबे का ना हो, उसमें दूध डालें, थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़े से चावल डाल दें, अक्षत डाल दें। उसके बाद में आपको हाथ में थोड़ी सी दुर्वा दल लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्प्यामि, यानी सर्व पितृ देवताभ्यो तर्प्यामि, सर्व देवीभ्यो तर्प्यामि, सर्व ऋषिभ्यो तर्प्यामि, ऐसे कहकर के आपको पहले सर्व देवीभ्यो तर्प्यामि, सर्व ऋषिभ्यो तर्प्यामि, उसके बाद में सर्व देव पितृभ्यो तर्प्यन्ताम, सर्व पितृभ्यो तर्प्यन्ताम, ऐसे कहकर के आप वो जल चढ़ाते जाएं, दूध मिश्रित, और पितरों के नाम से थोड़ा सा मीठा जरूर चढ़ाएं। शाम के समय दीपावली पर आपको उपाय करना है वह मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको 11-21 दीपक जलाएं। धनत्रयोदशी वाले दिन 13 दीपक जलाते हैं और दीपावली वाले दिन जितना दीपक जला सके उतना अच्छा है। सबसे पहला माता लक्ष्मी के सामने दीपक। अब ध्यान रखना आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं। सबसे पहला दीपक माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने, उसके बाद में एक दीपक आपको घर की छत पर, दो दीपक आपको घर की बालकनी पर, एक दीपक तुलसी माता के सामने, एक दीपक सफेद आग के सामने, एक दीपक शिवालय पर, 7 दीपक पीपल वृक्ष के नीचे, एक दीपक शनिदेव के सामने, एक घर की दहलीज पर, घर की दहलीज पर दोनों तरफ जलाएं, और मोल जो जहां से पानी निकलता है एक दीपक वहां पर। तो ये जगह जगह आप दीपदान करें, गौशाला में दीपक जलाएं, रास्ते में दीपक जलाएं जहां से हम निकलते हैं, जगह जगह जितना हो सके उतना दीपदान करें। इससे हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत ही बड़ी अमावस्या है। अब मैं उपाय बताता हूं आपको। एक दीपक लें, उसमें 2 लौंग डाल दें, उसके बाद में थोड़े से बतासे दही का पैकेट, दही का पैकेट बाजार से ले लें या घर की जमी हुई दही ले लें, सफेद मिठाई और 2 उड़द वाले पापड़, यह सारा सामान लेकर के आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। आज के दिन पीपल की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। कच्चा सूती धागा, ये सारा सामान लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। सबसे पहले आप पितरों के नाम से तर्पण करें जो मैंने पहले बताया था, उसके बाद में दीपक जलाएं, कच्चे पापड़ वहां पर रखें, कच्चे पापड़ के ऊपर दही चढ़ाएं, एक दोने में मिठाई लेकर के उनके सामने रख दें, दीपक जो जलाएंगे उसमें 2 लौंग डाल दें, उसके बाद में थोड़े से सिंदूर से पीपल पर टीका करें और उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष पर 7 बार कच्चा धागा लपेट दें। जो भी मनोकामना है आपकी पूरी मनोकामना होगी, जो भी मन में कामना से ये उपाय करेंगे वह कामना आपकी पूरी हो जाएगी। एक भोजपत्र ले लें, उस पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिख दें और वह पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें, मनोकामना आपकी पूरी होगी। दूसरा उपाय, इस दिन शनिवार है, कोई किसी भी कटोरी में या किसी में भी सरसों का तेल भरे उसमें अपना चेहरा देखे और वह किसी को भी दान दे दें। शनिवार वाले आएंगे मांगने वाले, किसी को भी दे दें। एक नारियल ले लें, उस पर मूली लपेटें, स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं
और यह नारियल माता लक्ष्मी जी के सामने अर्पण कर दें मंदिर में जाकर के। मंदिर में जाकर के एक पीपल वृक्ष का पत्ता ले लें, उस पीपल वृक्ष के पत्ते पर आप श्री गणेशाय नमः या ओम हनुमंते नमः, अगर गणेश जी के सामने चढ़ाना तो गणेशाय नमः, हनुमान जी के सामने चढ़ाना तो ओम हनुमंते नमः, ऐसा लेकर के उसके ऊपर एक लड्डू रखें और वह अर्पण कर दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक कच्चा नारियल वो ले लें, सूखा गोला लेकर के उसमें आटे का मीठा प्रसाद भर दें, थोड़ी सी उसमें चीनी और घी डाल दें, चीनी नहीं डालें उसमें, शक्कर डाल दें और घी डाल दें, उसके मुंह को बंद कर दें और उस पर चार बार मूली लपेट करके पीपल वृक्ष पे चढ़ा दें, ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी को खील और बतासे अर्पण करना चाहिए, धान्य की खील होती है जिसे कनक कहते हैं, ये बहुत ही शुभ है, माता लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है और कथा भी आती है, कथा में माता लक्ष्मी जी ने खील खाए थे, धान खाए थे, जिसकी वजह से किसान के यहाँ पर उनको रहना पड़ा था। तो बहुत ही अच्छे उपाय हैं ये, बड़ी अमावस्या है और इस दिन आप पितरों के नाम से कुछ दान भी करें, पितरों के नाम से वस्त्र दान करें, पितरों के नाम से मीठा दान करें और शाम के समय माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के समय कौड़ी और आप गोमती चक्र, कमल गट्ठे, इनको रख करके आप पूजा करें, चांदी या सोने के सिक्का रख करके आप पूजा करें और कमल गट्ठा माता को अर्पण करें, कमल पुष्प माता को अर्पण करें, ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। ध्यान देकर के आपको ये उपाय करने, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ में उपाय करने। झाड़ू ले, एक झाड़ू मंदिर में दान करें, एक झाड़ू घर में लेकर के आए, एक झाड़ू गौशाला में दान करें, गौशाला में आप दो झाड़ू भी दान कर सकते हैं और गौशाला में उस झाड़ू से यानी सींक वाली झाड़ू आप ले लें और उस झाड़ू से जितने दिन तक गौ माता के नीचे झाड़ू लगेगी उतने जन्मों के आपके पाप दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बड़ा उत्सव है और बड़ी दीपावली, भगवान रामचंद्र जी ने यह दीप उत्सव मनाया था उनके आने की खुशी में और धन धन से इस पूजा को करें। घर में स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाए, हनुमान जी वाला सिंदूर लेकर के उसमें घी मिला करके पूरे घर में स्वास्थ्य चिन्ह बना दें, जहां पर आप पूजा कर रहे हो वहां पर श्री ओम श्री गणेशाय नमः श्री मां लक्ष्मी नमः जरूर लिखें। हल्दी की गांठ जरूर रखें, काली हल्दी रखें पीले कपड़े में बांध करके, ये बहुत ही शुभ होती है। और शाम को सोने से पहले माता लक्ष्मी जी को विश्राम कराए अगर कराना चाहे तो आप बिस्तर लगा करके, यह बहुत ही शुभ होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।